सहज अवस्था, बहुत बार सुना होगा भाई ये सहज अवस्था क्या होती है। सहज अवस्था चौथी लाव को कहा गया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथी लाव मीन्स आखिरी पड़ाव, हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ मिलाप हो जाता है गुरु का और सिख का, यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। एक सिंपल सी बात दास समझा दी, कोई अकेला बैठ के किताबें पढ़ के कोई अभ्यास, कई लोग होते करते हैं, संतों को नहीं मानते पर अभ्यास में लग जाते हैं, बिना संत की शिक्षा के, बिना संत के शरण में आए अगर कोई अपने आप ही करता है अभ्यास नाम सिमरन का, या तो पागल हो जाता है या तो कंफ्यूज होकर छोड़ देता है, नाम जपने ही छोड़ देता है। ये दो काम होते हैं अक्सर जिसे संतों की संगत प्राप्त नहीं है। जो पूरे महापुरुषों की संगत में रह के अभ्यास करते हैं उनको सहज अवस्था की प्राप्त होती है। भाई रे गुरबिन बिना गुरु के सहज न हुए, सहज अवस्था बिना गुरु के शरण के प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु रास्ता दिखाता है, गुरु प्रसाद वर्ताता है, और इस पढ़ाई को करते करते जहाँ कंफ्यूजन हो जाए संतों की संगत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो संगत जहाँ पे दास ठहरे है वहाँ पे कुछ सेवादार रुके हुए, शाम को पता चला वो सारे मिलकर पान खाने गए हैं गुरु के सिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और पूछने पर बताते हैं कि मीठा पान है इसमें क्या है, ये हमारे तर्क है मीठा पान है। आपको पता है जब अमृत छकाते हैं, जिन्होंने अमृत छका उन्हें पता होगा, जब अमृत संचार किया जाता है पांच प्यारे एक बात कहते हैं कि तंबाकू जो खाते हैं उनके साथ मिलना वर्तना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां तक कहते हैं दास ने हजूर साहब से अमृत छका था, वहां पर कहा गया था कि जिस दुकान से तंबाकू मिलता हो वहां पर से घर का सामान भी नहीं लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पान सुपारी खाती है, कहा है ना पान सुपारी, मीठे पान में क्या होता है सुपारी और पान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मिलता कहां पे, जहां पर तंबाकू बिकता हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नीले घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं, साथ में कई सैनिक हैं। अचानक घोड़ा रुक गया, अचानक आगे बढ़े ही ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक दो बार कहा नीले से चल आगे, पर नीला जाए ना आगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दया सिंह से कहा, दया सिंह आगे जाके देख क्या क्या है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ऐतिहासिक घटना है ये, जब वो भाई दया सिंह जी आगे गए वापस आगे पाछा आगे तंबाकू के खेत है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे नीले ने अपनी कमाई संभाल ली, अगर आज नीला हमें उन खेतों में से ले जाता इसकी आज तक की क्यों सारी सेवा व्यर्थ चली जाती है। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन उस वक्त के, कि अगर नीला हमें खेतों में ले जाता तंबाकू के खेतों में तो उसकी की हुई सारी सेवा व्यर्थ चली जाती। विचार करो नीला कितना भाग्यशाली, कौन सी वो आत्मा होगी जिस पर गुरु महाराज खुद सवारी करते हैं, उसकी सारी सेवा निरर्थक चली जाती अगर गुरु महाराज को तंबाकू के खेतों में से ले जाता और हम दुकान पे जाके तंबाकू की दुकान से पान खरीदें, गुरु की पीठ नहीं होगी। ये गुरमत है या मनमत, मनमत है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती, हाथ जोड़कर, अगर जीवन में तब्दीली लानी है तो गुरु के रास्ते। छोटी सी बात है साध संगत जी, हम बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, जो लोग मांस का चस्का नहीं छोड़ पाते, शराब का चस्का नहीं छोड़ पाते, तंबाकू पान का चस्का नहीं छोड़ पाते, है क्या ये जबान के स्वाद है सिर्फ जबान के स्वाद। बाबा जी कहते थे जबान के स्वाद से ऊपर नहीं उठ पाया जो, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे क्या काबू पाएगा। जीवन मुक्त किसे कहते हैं, जो इन पांचों पर काबू पा ले। कई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है जिसे मुक्ति मिली है जीते जी मिलती है, मरने के बाद नहीं मिलती। अगर जीते जी तूने पांच पर काबू नहीं पाया मरने के बाद क्या पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरमत में आओ, गुरमत में, जिस दुकान पर तंबाकू बिकता भी हो वहां से पाने भी मत पियो। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाकी जीवन जैसा व्यतीत करना है अगर ऐसे ही जीता है जो मर्जी करो, अगर गुरमत में आना है तो गुरु के वचन मान लो। कम नाम जपा हुआ भी सार्थक हो जाता है, कम नाम जपा हुआ भी, बशर्ते गुरु के वचन को ही मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेम आप कराए, नित नेम आप कराए, संगत तो आप बचाए, संगत तो आप बचाए, मेरे गुरु
नाम।